हेलो, नमस्कार दोस्तों। मेरे यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं आज लेकर आया हूँ एक मास्टरबेशन मतलब कि हस्तमैथुन की दवाई ड्रॉप के बारे में बताऊंगा, और ये काम कैसे करता है, कैसे लेना है, पूरा डिटेल बताऊंगा। सो दोस्तों, वीडियो को पूरा जरूर देखिए, और अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिए और यूट्यूब चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर दीजिएगा दोस्तों। तो दोस्तों, मैं लेकर आया हूँ, देखिए ये मास्टरबेशन का ड्रॉप है, लिखा है ये आरईफीएल कंपनी का मास्टरबेशन ड्रॉप है, 128 नंबर। और इसमें सारी जो भी मास्टरबेशन से रिलेटेड जो भी मास्टरबेशन रोकने में मदद करती है वो सारी दवाई इसमें मिलाई हुई है ना कंपनी है। देखिए जैसे कि ओरिगेनम है, ग्रेटियोला 3 है, और बुफोराना है, पिक्रिक एसिड है, स्टेफिसिग्रिया है। ये सारी दवाई जो हस्तमैथुन छोड़ने में मदद करती है, ठीक है। और इसमें लिखा ही है कैसे लेना क्या, तो देखिए 15 से 20 बूंद आधे कप पानी में दिन में 2 से 3 टाइम डेली ले सकते हैं। और कब तक लेना है, 2 से 3 मंथ तक लेंगे तो इसका बहुत अच्छा रिजल्ट रहेगा। और इसमें लिखा ही है नो साइड इफेक्ट है, और ठीक है। और इसको लेना है सुबह शाम, आप खाने के आधे घंटे पहले या आधे घंटे बाद ले सकते हो। और इसका प्राइस मात्र 170 है। ये तो मैंने बता दिया। और इसी में जो आरईफीएल की जो बुक है, देखिए इसमें लिखा है वो सारा हम बताएंगे। तो इस बुक में इसका पूरा इंडिकेशन लिखा है कि इसको कैसे लेना, कब लेना। देखिए मैं पढ़ के सुनाता हूँ कि नव युवकों में हस्तमैथुन के लिए जबरदस्त इच्छा, कामोत्तेजक विचार, जनेंद्रियों में हर समय खुजली बने रहना, बच्चे का जननेंद्रिय से हर समय छेड़छाड़ करते रहना या इच्छा बने रहना, रोगी एकांत ढूंढता है, मतलब कि एक जो भी अकेला रहे वो जगह ढूंढता है, रोगी को स्वप्न दोष हो जाता है, मतलब इस पर मेटोरिया या धात की या नाइट फॉल बोल सकते हैं, स्वप्न दोष हो जाता है रोगी को। यह सभी लक्षण किसी रोग के दुष्परिणाम के रूप में हो सकते हैं, अथवा विषयी भोग की इच्छा सामाजिक स्थिति के अनुसार बढ़ गई हो। प्रबल कामोन्माद, हमेशा काम संबंधी विचारों का प्रवाह, चिंतन करते रहना, ऐसे रोगी सत्वहीन हो जाते हैं, दिमागी कमजोरी आ जाती जो लगातार मास्टरबेशन करता है, इंद्रिय शिथिलता की शिकायत रहता है, चिपके हुए गाल देखकर पता चल जाता है, मतलब कि जो भी ज़्यादा मास्टरबेशन करता है तो उसका हेल्थ तो बनेगा नहीं, दुबला पतला रहेगा या चिपके हुए गाल रहेंगे, ये इसको देख के पता चल जाता है। यह कि स्वयं को पापी समझ रहा, और वो खुद में गिल्टी फीलिंग रहती है मास्टरबेशन के बाद की, खुद को पापी समझ रहा है। कमरे में लगातार कमर में लगातार दर्द बने रहना, मतलब मास्टरबेशन के बाद बैकएक तो होता ही है, ऐसे में इस औषधि का प्रयोग करना बहुत ही लाभदायक है। और इसका विधि भी दिया गया कि 15 से 20 बूंद एक दवा आधा कप पानी में मिलाकर प्रतिदिन 2 से 3 बार तक 3 माह तक ले, अथवा होम्योपैथिक डॉक्टर की सलाह से ले। सो दोस्तों, समझ गए हैं कि ये दवाई कब किसको लेना। तो जो भी युवा साथी है और मास्टरबेशन की आदत है और छुड़वाना चाहते हैं तो इस दवा को ले सकते हैं, या डॉक्टर से कॉल करिए या हेल्पलाइन नंबर से कॉल करके, जो भी होम्योपैथिक डॉक्टर हो वो उससे कंसल्ट के बाद आप ले सकते हैं। ये तो एक जनरल दवाई है, और अगर हस्तमैथुन की आदत है तो उसे छोड़िए, और उसके दुष्प्रभाव भी है, मतलब कि साइड इफेक्ट भी है, और मास्टरबेशन की वजह से लिंग में ढीलापन, टाइमिंग और इरेक्टाइल डिसफंक्शन या नसों में कमजोरी या साइज का छोटा होना, बहुत सारे लक्षण होते हैं और जो कि सादी बात आपको प्रॉब्लम आ सकती हैं। तो आप हस्तमैथुन छोड़िए और स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, और हस्तमैथुन की वजह से पढ़ाई में दिमाग न लगना, ये सारे बहुत सारा प्रॉब्लम रहता है। सो वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, यूट्यूब चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर दीजिएगा दोस्तों। धन्यवाद।